बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों, ठीक हो? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जी बहन भाइयों, मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना सकी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ा था। अब मैं खाना बनाने लगी हूँ, खाना तो बनाना पड़ता है, बच्चे हैं छोटे छोटे। बिस्मिल्लाह रहमान, क्या पकाने लगी हैं? मटर की मार दो, 3 पाव हमारा कीमा है, हरी मिर्चें चॉप की हुई, अदरक अदरक लहसुन ये इकट्ठा मैंने इसको पीसा, ये हमारी दही है, 1/2 स्पून हमारा हल्दी है, ये सूखा धनिया थोड़ा सा 1 चुटकी है, और ये पीसा हुआ सूखा धनिया है, ये हमारा इसमें ज़रूरत नमक है, और ये हमारा वाइट ज़ीरा, और ये हमारी काली मिर्चें पीसी हुई हैं, और ये हमारा मसाला मिर्चें लाल मिर्चें, आलू 1/2 किलो लिए हैं, आलू मुंतहा के लिए डालने पड़ते हैं, आलू मुंतहा शौक से खाती है, तो ये हमारी प्याज चॉप की हुई, और ये हमारे टमाटर 1 पाव टमाटर चॉप हुए हैं, ये मटर बॉयल हुए हुए 1/2 किलो हमारे मटर थे बॉयल हुए हुए, हसबे ज़रूरत मैंने घी डाला है। इंशाल्लाह मेरे मटर आलू बहुत मज़े के बनेंगे, आपने साथ रहना है मेरे वीडियो को, आपने स्किप नहीं करना, आधे वीडियो नहीं करनी, फुल वीडियो आपने देखनी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों को इस तरह जो मेरे साथ मेरा ख्याल रखते हैं, सपोर्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मेरी प्याज भूसने जाने लगी है, ये अदरक लहसुन पीसी हुई है, ये अदरक लहसुन की खुशबू आने तक हम इसको प्याज के साथ भूनेंगे, अदरक लहसुन का जायका चेंज हो गया। बिस्मिल्लाह, कीमा में डालने लगी हूँ प्याज अदरक लहसुन में, मटर कीमा किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है मटर कीमा किस को पसंद है और किस तरीके से सब बनाते हैं, वो भी लाजमी बताना, मेरा तरीका सही है या नहीं है। कीमे को हमने अच्छी तरह से प्याज में भूनना है, कीमा हमारा भुन चुका है, लाल हो गया है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त भुने हुआ है। ये कीमे में मसाले पहले डालूंगी, फिर टमाटर डालो, मसाले कच्चे हो जाते हैं, ज़ीरा ये नमक मिर्च सब कुछ में डालने में, 1 मिनट इसको भूनेंगे। बिस्मिल्लाह मटर डालने लगी, बिस्मिल्लाह मटर मेरे बॉयल हुए हैं, ये हमारी हरी मिर्चें और टमाटर दोनों चॉप हुए हैं, ये मैं दोनों डालने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये आलू हमारे, आलू आप स्किप भी कर सकते हैं, आलू और टमाटर साथ में भूनेंगे। कीमा हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है, सारा घी ऊपर आ गया। आप बहन भाइयों को बताएं ना कि अस्पताल क्यों गई थी, क्या हुआ था? मेरे पित्ते का मसला, मुझे तो यही शक है पित्ते का मसला है, तो अब सारे टेस्ट आएंगे 26 तारीख को, अल्ट्रासाउंड है, बकाया टेस्ट आएंगे तो पता लगेगा, तो एक्सरे कराया है, आप सब बहन भाई देख के बताएं इसमें क्या मसला है, कोई मसला है या नहीं है, इंशाल्लाह कोई मसला ना हो, आप सबने मेरे लिए दुआ भी करनी है। तो पित्ते का ऑपरेशन कराते भी डर लगता है,
कहीं कहते हैं कुछ भी नहीं होता, कहीं कहते हैं होता है। अल्ट्रासाउंड होगा तो फिर पता लगेगा, जो पिट्टे में पत्थरियाँ हुई हैं तो फिर ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन से पता डर लगता है, आगे भी 3 मेरे सिजेरियन हो चुके हैं। और अब अल्लाह मालिक है, आप सब ने मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है भाई, अल्लाह पाक मुझे आराम दे, मेरे टेस्टों में कुछ भी ना आए। पहले वाले जो टेस्ट कराए हैं डॉक्टर ने कहा इसमें नहीं है कुछ भी, टेस्ट सारे ठीक आए हैं। तो अब बकाया 2-3 टेस्ट रहते हैं और एक अल्ट्रासाउंड रहता है, सब उसमें पता लगे। आप सब बहन भाई दुआ करें मेरे टेस्ट ठीक आए, अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे सब बहन भाइयों के साथ। आप सब ने कमेंट में ज़रूर आमीन लिखना है। इंशाल्लाह 26 तारीख को फिर आपको फाइनल अपने रिपोर्ट्स वगैरह दिखाऊंगी। तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है, रात को सारी तकलीफ चुभन होती है, जिस तरह हम अजीब सी फीलिंग होती है। आज रात को भी मुझे तकलीफ थी बहुत ज़्यादा, उन्होंने दवाइयाँ वगैरह लिख के दी है, अभी तक दवाइयाँ नहीं लेके आए। घर का बिल ही बहुत ज़्यादा आ गया है, 8,000 घर का, 9,000 रुपया बिल आया है, घर का बिल आ गया 9,000। तो पता है किराया भी देना है, किराया दे के बिल दे के फिर इंशाल्लाह दवाइयों का हम कुछ करेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर बहुत बुरा हाल करते हैं, ये देखें यहाँ से खून निकालते रहे, यहाँ से भी मैंने कहा मेरा खून नहीं निकलता, ना निकालो, ये नील पड़े हुए यहाँ से भी खून निकालते रहे, यहाँ से भी निकालते रहे। ये डॉक्टर ने अंदर भाई जब सुई लगा रहा था तो नहीं था खून निकल रहा, इंजेक्शन को यूं यूं कर रहा था तो वो सीधा सुई मास्क को लग गई थी, ये सूज गया था, ये तो अब थोड़ा ठीक है, यहाँ से भी निकालते रहे। तो इस साइड से भी उन्होंने जैसे ही वो बांधा मैंने हाथ पीछे, मैंने कहा मैंने ही निकलवाती। हमारे उस्मान भाई हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया हॉस्पिटल में मेरा, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, बहुत मेरी हेल्प की उन्होंने। तो अब 26 तारीख को जो टेस्ट अल्ट्रासाउंड आएगा उसमें भी वो इंशाल्लाह हेल्प मेरी करेंगे, उन्होंने कहा है आप आएंगी मुझे कॉल कर देना मैं आ जाऊँगा। जिस किसी ने मिस्त्री लगाना है इंटी तोड़ने के लिए, हमारा मिस्त्री बुक कर सकता है। ये हमारा छोटा सा मिस्त्री सारा दिन थोड़ी लेके मिट्टी कूदता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार है, ये दही फिटा हुआ डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको 10 मिनट के लिए बस ढकेंगे, हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। काली मिर्चें पीसी भी, बस हमारा सालन एंड हो गया। हरी मिर्चें कटी भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया से खुशबू सालन में बहुत अच्छी आती है, जायका भी अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी अदरक चौक हुई भी। कीमा बहुत प्यारा हमारा बन गया माशाल्लाह। माशाल्लाह से हमारा कीमा बहुत अच्छा बन गया, बच्चे बहुत खुश हुए, बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, हमने कीमा खाना है। तो इंशाल्लाह बहन भाई और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सब ने कमेंट करना है और मेरे लिए दुआ करनी है, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना, मुझे पता लगे मेरे कौन से बहन भाई सारे मेरे लिए मेरे दुख में शामिल हैं या नहीं मुझे पता लगे। तो और लाइक भी कर देना और नए आने वाले सब्सक्राइब भी करना देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है बहन भाइयों, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलेंगे।
पाकिस्तान जिंदाबाद।